वर्ल्ड वॉर 6 ईयर्स तक चलती रही थी, 6 साल तक यार, कितनी लंबी वॉर चली थी। और एक चीज आपको बता दूं जो मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी यहाँ पर आके देख के भी, सिख रेजिमेंट ने बहुत तगड़ा पार्ट लिया था इसके अंदर। तभी आप देख रहे होगे वहाँ पे पंजाबी में लिखा हुआ, और यहाँ पे काफी जगह पे सिख रेजिमेंट के लिए लिखा हुआ है और राजपूत रेजिमेंट के लिए भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। मतलब राजपूत रेजिमेंट के भी नाम लिखे हैं बहुत सारे। इंडियंस ने जाने दी थी ना, उनका सबसे नाम ऊपर रखा हुआ है सारी जगहों पे, सबसे ऊपर इंडियंस का है। अगर आप देखोगे ये राजपूत वीर योद्धा है कोई। तो एक और रेजिमेंट के बारे में बोलना चाहूंगा, गोरखा राइफल रेजिमेंट जो होती है ना यार, रेजिमेंट तो और भी बहुत सारी है बताने के, नागा रेजिमेंट भी है उनके बारे में भी बता सकता हूँ, लेकिन लंबा हो जाएगा वीडियो। नागा रेजिमेंट का बस छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। सो कुछ ऐसे ही किस्से हैं देश के हमारे बहुत ज्यादा फकर करने वाले। तो यहाँ बना रहा हूँ मैं खाना, पूरे किचन में कब्जा कर लिया है मैंने, दीदी तो अंदर आ ही नहीं पा रही है। तो अभी गुजार रहे हैं हम मेला घूमने के लिए, मतलब मैंने सोचा नहीं था मैं मेला भी घूमूंगा, वो भी नागालैंड का। डर लग रहा। दोस्तों क्या हाल है, आई होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ, मस्त सी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, वो भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्राणियों के साथ और एक मस्त से व्यू के साथ, और साथ में मिली हमें कॉफी। मस्त जिंदगी कट रही है अपनी। थोड़ी बहुत देर में बाहर निकलेंगे, घूमने भी जा रहे हैं, एक मस्त सी जगह आपको और दिखानी है। सो आज हम जाने वाले वॉर सेरेमेट्री, तो आपको वो जगह भी दिखाएंगे खूबसूरत सी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसकी वॉर सेरेमेट्री है, तो वो भी दिखाएंगे आपको, और अभी ना उससे पहले पहले कपड़े धोएंगे वो भी दिखा देंगे आपको। सो यहाँ आ चुकी अपनी फेवरेट भिंडी, दीदी ने मेरे लिए भिंडी बना दी थी, मेरे को भिंडी पसंद है ना इसलिए, और रोटियां ही बननी है इसको, तो मैं इतना मिस कर रहा था। मैं क्या बताऊँ, इन्हें बनानी नहीं आती रोटी पता है, क्योंकि ये लोग चावल ज्यादा खाते ना आसाम से है, तो पर मेरे लिए स्पेशल रोटी बनाई है। आज तो दिल खुश हो गया, दिन बन गया अपना पहले ही स्टार्टिंग में ही। सो कपड़े अपड़े मैंने धो लिए, सुखाना डाल देते हैं। दीदी ने ना गरम करके पानी दे दिया था तो आराम मिल गया, मैंने सारे कपड़े धो दिए। ठंड है ना यार, कपड़े कैसे धोता ठंडे पानी से, तो गरम पानी से धो लिया। हाँ बीमार भी नहीं हूँ अब मैं। और कपड़े यार स्मेल करने लग जाते हैं काफी दिन लगातार पहन लो, तो धोना जरूरी है, तो मैं टाइम टू टाइम धो लेता हूँ। अब ठंड ज्यादा हो गई तो धोने में दिक्कत आ रही है थोड़ी, बस और कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम निकल पड़े हैं वॉर सेमेट्री के लिए, पास ये ज्यादा दूर तो नहीं है, 2.5 किलोमीटर दूर है, पैदल पैदल भी जा सकते हैं और अगर बंद किया तो बस से भी जा सकते हैं, देखते हैं कैसे जाते हैं। और मजा काफी आने वाला है क्योंकि वॉर सेमेट्री बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने फोटोज भी देखी, आपको भी दिखाएंगे वॉर सेमेट्री कैसी दिखती है कि नहीं भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, जीरो। चलते हैं वॉर सेमेट्री की तरफ। हे किशे, ये लो, बाय बाय। सो क्रिसमस आने वाली है तो हर जगह क्रिसमस ट्री बिक रही है। सो दोस्तों पूरा आराम आराम से चलता हुआ मैं नीचे तक आ चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है और मजे से पूरा रास्ता काट दिया मैंने, पता ही नहीं चला क्योंकि पूरी ढलान थी ना। सो मैंने एक 3-in-1 भी ले लिया है, चार्जिंग की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हर जगह पे ना, वो एक्सटेंशन कॉर्ड लगाने में बहुत दिक्कत आती थी, तो 3-in-1 रहेगा ना और तो अपनी चार्जिंग भी बड़ी आराम से हो जाएगी। अपने बहुत सारे चार्जर्स होते हैं, बैटरी बैकअप और कैमराज, उन सबको चार्ज करने में बड़ी दिक्कत आती है।
तो फाइनली हम वॉर सेमेट्री पहुंच चुके हैं और पूरा पैदल पैदल आ गया मैं थोड़ा पतला हो जाऊंगा ना इसलिए वापस चले जाएंगे बस से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ढलान भी थी ना तो पैदल चलने का मजा भी अलग आ रहा था। काफी बड़ा है वॉर सेमेट्री, आप देख सकते हो हम इस कोने पे हैं इस वक्त, इस जगह पे कार पार्किंग के पास, और यहाँ से कितना बड़ा है, काफी बड़ा है। तो देखते हैं अंदर कहाँ कहाँ जाने देते हैं, वहां वहां जा सकेंगे और वो जगह आपको भी दिखाएंगे। ब्यूटीफुल बहुत ज्यादा है ये, क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी है ना, देखो उस मैप में भी ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है और ऐसे भी देखो तो चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। आज तो मौसम भी बड़ा मस्त हो रखा है, बारिश भी नहीं हो रही है लेकिन पूरा बादलों वाला मौसम है, बहुत क्यूट सा मौसम है, देखो ना है ना ब्यूटीफुल। चलते हैं ऊपर की जगह भी दिखाते हैं आपको। सो दोस्तों यहाँ पे ना उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जो वॉर में शहीद हुए थे और वो अलग अलग जगह के थे, मतलब गोरखा भी थे, बहुत सारी जगहों के थे, अगर आप देखोगे तो सब जगहों का अलग अलग नाम भी लिखा हुआ है। एक तो मुझे यहाँ के पेड़ों का नहीं समझ में आ रहा है, सारे पेड़ दीवार से चिपके हुए हैं। जगह तो बहुत ही ब्यूटीफुल है लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जो वर्ल्ड वॉर टू हुई थी ना उसमें बहुत सारे इंडियंस ने भी पार्ट लिया था, तो उन सबकी शहीदी के लिए बनाया गया था पार्क। तो चलते जो देखने का मिलेगा वो दिखाएंगे आपको, लेकिन ब्यूटीफुल बहुत ज्यादा है, चारों तरफ पौधे लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत से। व्हाइट गुलाब का पौधा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ना, वहां देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वहां से पूरे शहर के ऊपर ऐसा लग रहा है बादल आए हुए हैं बड़े खूबसूरत से। सो गार्डन तो सच्ची है बहुत ब्यूटीफुल है। और मैं फाइनली उस जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पे क्रॉस है बहुत बड़ा सा, और यहाँ ना बैठने की जगह बहुत ज्यादा। सो आपको देख के लग रहा होगा ये कोई एक ट्राइब है, ये सारी अलग अलग ट्राइब के लोग हैं और ये ना पार्टिसिपेट करने वाले हैं गुवाहाटी में, क्योंकि ये सारी नर्सेस हैं और गुवाहाटी में फंक्शन होने वाला ना, तो उसके लिए प्रिपेयरिंग चल रही है अभी यहाँ पे पूरी। सो वर्ल्ड वॉर 6 ईयर्स तक चलती रही थी, 6 साल तक यार, कितनी लंबी वॉर चली थी। और एक चीज आपको बता दूं जो मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी यहाँ पर आके देख के भी, सिख रेजिमेंट ने बहुत तगड़ा पार्ट लिया था इसके अंदर, तभी आप देख रहे होगे वहाँ पे पंजाबी भी लिखा हुआ और यहाँ पे काफी जगह पे सिख रेजिमेंट के लिए लिखा हुआ है और राजपूत रेजिमेंट के लिए भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, मतलब राजपूत रेजिमेंट के भी नाम लिखे हैं बहुत सारे। काफी मतलब पार्टिसिपेट किया था इस वॉर के अंदर भी सिख रेजिमेंट में, अगर आप देखो 1, 2, 3, 4 सिख रेजिमेंट भी है और एक पंजाब रेजिमेंट भी है, 2 रेजिमेंट्स हैं, तो मतलब अगर टोटल नाम देखा जाए तो बहुत सारे हैं, और राजपूत रेजिमेंट भी है। तो ये 2 कौमों ने ना वीर योद्धा ही पैदा किए हैं हमेशा, क्योंकि इनका इतिहास बहुत ज्यादा बुलंद है। महाराणा प्रताप और सिख रेजिमेंट में तो बहुत सारे नाम है, अगर मैं नाम गिनूंगा तो बहुत सारे हैं। सो काफी प्राउड फील होता है ना अपने इंडियंस का अगर कहीं पे भी नाम लिखा हो, सोचो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे भी इन सबको नाम लिखा हुआ था। और एक चीज बता दूं आपको कि लंदन में ना एक जगह है जो एक आइलैंड है पूरा, वहां पे ना सिख रेजिमेंट के ऊपर और राजपूत रेजिमेंट के ऊपर पूरा आइलैंड डेडिकेट किया हुआ है, उन लोगों ने कहां कहां कैसे कैसे अपनी कुर्बानियां दी थी उसके ऊपर। बहुत अच्छा लगता है इतिहास के बारे में जान के अपने देश का, और बहुत गर्व भी फील होता है। इंडियंस ने जाने दी थी ना उनका सबसे नाम ऊपर रखा हुआ है, सारी जगहों पे सबसे ऊपर इंडियंस का है, अगर आप देखोगे ये राजपूत वीर योद्धा है कोई। दिल से सलूट है इंडियन आर्मी को, क्योंकि इन्होंने ना कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि इनके होते हुए हमें कोई दिक्कत आ सकती है। आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ, अगर कहीं पे भी जाऊं और इंडियन आर्मी वहां पे होगी तो मुझे शायद कोई प्रॉब्लम भी आए छोटी सी भी, मुझे तो बहुत ज्यादा प्यार है अपने इंडियन आर्मी से। सो एक और रेजिमेंट के बारे में बोलना चाहूंगा, गोरखा राइफल रेजिमेंट जो होती है ना यार, सो ये लोग भी ना बहुत स्पेशल है इंडियन आर्मी के लिए भी और ब्रिटिश आर्मी के लिए भी। ब्रिटिश आर्मी भी इन्हें 2 रेजिमेंट को लेके गई थी यहाँ से, मतलब 2 पूरी रेजिमेंट उठा के लेके गई थी गोरखा रेजिमेंट अपने यहाँ से ब्रिटिश के लिए, और इवन सिख रेजिमेंट भी लेके गई थी वो। पर गोरखा रेजिमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि इन लोगों ने ना इंडियन आर्मी के साथ अपनी बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं देश को बचाने के लिए, हर बार वॉर में आगे से लड़ने में, काफी चीजों में। एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जो नाना जी ने मुझे बताया था मेरे, और मुझे आज तक वो इंसिडेंट याद है गोरखा राइफल्स का। वो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी कारगिल की, उस टाइम की इंसिडेंट है, तो ये कुछ क्वांटिटी में कम थे पाकिस्तान आर्मी वालों के सामने, इनके पास उस टाइम पे गोलियों की भी शॉर्टेज थी, बंदूक में गोलियां भी नहीं थी इनके पास, तो बहुत टेंशन में थे। बंदे सिर्फ 50, सामने बंदे 1000, और इन 50 बंदों ने पहले तो गोलियां वोलियां चला के उन लोगों को बहुत डैमेज पहुंचाया। छोटे थे हाइट में, सामने पाकिस्तान के वॉरियर्स जितने भी थे वो सब लंबे थे, पठान थे ना, तो हाइट में काफी लंबे लंबे थे,
तो इनको उनसे भी डर नहीं लग रहा था। जब ये उतरे थे ना ग्राउंड में, तो जय गोरखाली बोलते बोलते मारते चले गए सबको। और पता है कैसे मार रहे थे, आपको बताता हूँ। खुपरी होती है इनके पास, छोटा सा एक नाइफ टाइप की होती है, जैसे हमारे पास किरपाण होती है ना, वैसी छोटी सी नाइफ जो अपन किचन में यूज करते हैं, उससे थोड़ी सी बड़ी समझ लो। सो उस खुपरी से जब गोलियां खत्म थी ना, तो खुपरी से गले काट रहे थे ये लोगों के। और मतलब समझ लो उनके 600 से 700 लोग मार दिए सिर्फ 50 लोगों ने। बेशक वो 50 लोग नहीं बचे, लेकिन उनको सल्यूट है, 50 कहां और 600 कहां। तो ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स है गोरखा रेजिमेंट के भी, दिल से सल्यूट है उनके लिए भी। अच्छा लगता है, मतलब जब भी मैं सुनता हूँ ना ये सारी कहानियां, तो बहुत ही अच्छा लगता है। चाहता तो मैं यहाँ नहीं आता, पर मेरा बहुत दिल से मन था इंडियन आर्मी के लिए ना, कुछ भी चीजें देखने का बहुत मन था मुझे, और मेरे को मन भी था आप लोगों को दिखाने का। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट करके बताना आप क्या क्या जानते हो सिख रेजिमेंट के बारे में, राजपूत रेजिमेंट के बारे में और गोरखा रेजिमेंट के बारे में। रेजिमेंट तो और भी बहुत सारी है बताने के, नागा रेजिमेंट भी है, उनके बारे में भी बता सकता हूँ, लेकिन लंबा हो जाएगा वीडियो। नागा रेजिमेंट का बस छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। कुछ पाकिस्तान के बॉर्डर के उस साइड से कुछ सोल्जर्स उधर से आए थे, तो नागा रेजिमेंट वालों ने क्या किया, जब वो आए तो उन्हें आने दिया, ठीक है ना। वो तीन लोग आए थे, उन्होंने एक बंदे को उठाया, उनके गर्दन काट दी, क्योंकि हेड हंटर्स है ना, इनका नाम भी हेड हंटर्स के नाम से फेमस है। गर्दन से गला काट दिया और वो मुंडी दे दी बाकी दोनों भाइयों को और बोला जाओ। तो जब वो वापस जा रहे थे ना, तो थर थर कांप रहे थे। जब वो वापस पहुंचे ना अपना पाकिस्तान, तो उनको एक चीज बताई कि मैं नागा रेजिमेंट से हूँ, अगली बार इस जगह मत आना। तो आज तक की हिस्ट्री है, मतलब ये इंसिडेंट को हो गया होगा कुछ 7 से 8 साल, आज तक वह उस जगह से बॉर्डर से कोई भी नहीं आता है पाकिस्तान से, क्योंकि उन्हें पता है ये गर्दन काट के ही भेजेंगे, एक आधी गोली नहीं मारेंगे। सो कुछ ऐसे ही किस्से हैं देश के हमारे, बहुत ज्यादा फकर करने वाले। सो हम वापस निकल चुके हैं, पर जब आप आओ ना नागालैंड, तो इन जगहों को जरूर विजिट करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई प्रॉमिस, आपको दिल से बहुत अच्छा लगेगा, जरूर विजिट करना इन जगहों को। आते समय तो बस ऐसे ही खड़ी हुई मिल रही थी वहां पे, तो हमने सोचा नहीं यार पास ही है, पैदल पैदल चलेंगे। अब जाते समय इंक्लाइन है और बस एक भी नहीं आ रही है, तो ऊपर वाले भी पूरे मजे ले रहा है, पतला हो जाए चुपचाप, तो पतला कर रहा मुझे पैदल चलवा चलवा के। चलो पैदल ही चलते हैं। दोस्तों चलते चलते मैं थक गया था, तो मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं। मुझे दिखी फ्रूट शॉप का रेट बता देता हूँ क्या क्या है। 180 रुपीज पर केजी ये वाला एप्पल, और बाकी सब तो सब महंगा ही महंगा है। तो मुझे एक चीज याद आई, यहाँ पे पाइनएप्पल उगता है, मैंने पाइनएप्पल पूछा, एक पीस पाइनएप्पल 50 रुपए का है ना, सस्ता। और 120 रुपीज केजी है कीवी। तो ये दो चीज अगर आप यहाँ पे आओ ना, तो जरूर खाना, क्योंकि ये लोकल फ्रूट है, तो मीठा मीठा भी होता है और मजा भी आ जाएगा, प्राइस भी कम है ना। सो अपना पाइनएप्पल छील रहा है भाई, बिहारी भैया ढंग से छील देना है, हम खाएगा। ये मजा ना मैं आपको बता नहीं सकता वर्ड में, इतना ज्यादा टेस्टी ना ये, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ बिल्कुल मीठा है, चाशनी की तरह। एक बात बता दू आपको, बिहारी भैया किसी ने काटते नहीं है, मैंने उनसे प्यार से बोला ना, तो उन्होंने मेरे लिए काट दिया। तो मैं सब्जी लेने आया था शाम को खाना बनाने के लिए, और हमें भाई जी मिले हैं हमारे सब्सक्राइबर, और उन्होंने पहचान लिया मुझे। आप यही रहते हो? कोयमा में रहते हैं। अच्छा लगा आपसे। तो मैंने सब्जियां इसलिए ली हैं क्योंकि वो भैया ना मुझे कुछ देने तो देते नहीं, गिफ्ट अगर मैं उन्हें देना चाहता तो, और वो खाना अगर मैं उन्हें बता के लेता कि मैं खाना बनाने के लिए सामान लेने आया हूँ, तो वो लेने नहीं देते। तो मैं सामान लेके चले जाऊंगा तो खाना बना देंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि कल से अभी तक उन्होंने 1 रुपया भी नहीं खर्च करने दिया मुझे। तो मेरा मन नहीं लग रहा था कि वो मुझे एक भी चीज जगह पे ना पैसे नहीं देने दे रहे थे, तो मेरा मन था मैं उनको आज खाना बना ही खिलाऊं। सो मैं घर में आ चुका हूँ, अब सारी सब्जियां काट देते हैं। यहाँ पे तो पूरी सेटलमेंट है ना, मतलब सामान काटने में सारी चीजें हैं, चॉपिंग बोर्ड सब कुछ, तो बढ़िया स्वाद आने वाला है आज। तो यहाँ बना रहा हूँ मैं खाना, पूरे किचन में कब्जा कर लिया है मैंने, दीदी तो अंदर आ ही नहीं पा रही है, पर वो खाना मस्त बनने वाला है, सबको खिलाऊंगा बढ़िया तरीके से। सो दोस्तों मैं तो मना कर रहा था कि मुझे खाना खाने दो, खाना ही बना रहा था, मुझे उठा के ले आया मेला। मेला को मने ले, क्योंकि अरे कल तू चला जाएगा, आज तो पूरा घूम ले, फिर हमारे साथ कब आएगा पता नहीं है ना। जी हाँ जी। तो अभी गुजार रहे हैं हम मेला घूमने के लिए, मतलब मैंने सोचा नहीं था मैं मेला भी घूमूंगा, वो भी नागालैंड का। चलो देखते हैं कैसा है। खाली पेट झूला में चढ़ाएगा तो उल्टी हो जाएगा। चलिए वो भी हम पकड़ लेगा, पकड़ लेगा, गिर जाएगा तो पकड़ लेगा। चलते झूला झूलेंगे अब। हम अकेले नहीं आए, पूरी सेना लेके आए, 8 लोग हैं हम, और झूले पे चढ़ने वाले हैं। ओ बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, जायंट व्हील पे। चलो 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 चलो।
दीपा भाई को डर लग रहा है झूले से भाई, मेरे को बहुत डर लग रहा है। अच्छा आप और मैं चलेगा? हाँ। आप और मैं चलेगा, चलो चलो सच में। मैं तो जाऊंगा भाई झूले में, झूला झूला सबसे आप पसंद है मुझे। भाई मजा आया? मजा आया नहीं आया? ओहो हम फाइनली झूले के अंदर आ चुके हैं। ओहो खतरनाक झूला चालू होने वाला है, घूमने वाला है। ओहो डर लग रहा थोड़ा सा मुझे अभी। डर रहा है, डर रहा है। नकल निकल रही है। ओ उल्टा, ओ डर लग रहा, डर लग रहा, डर लग रहा, डर लग रहा, उल्टा जा रहा है। ओए बहुत डर रहा है भाई, बहुत डर रहा है। डरना नहीं, डरना नहीं। हाँ आँख खोल लो, अरे आँख खोल लो। आँखें बंद करा हुआ है भाई, बहुत डर रहा है भाई सब। आप डर रहे क्या? आप भी डर रहे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। सो यहाँ से कोहिमा शहर ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरा ऐसे लग रहा है ऊपर से तारे नीचे आ गए। खतरनाक सीन है रे, डरो मत, हाथ छोड़ दो, डरो मत, डरो मत, हाथ छोड़ दो। कुछ नहीं होगा, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ जाएगा बस। बाहर दीपक भाई खड़े। ओहो बहुत तेज हो गया है, मजा आ गया, बहुत तेज कर दिया, बहुत तेज। ये मुझे डर नहीं लग रहा है। मैं तो बिल्कुल नहीं डर रहा भाई। हंसी और आ रही है बहुत। मुझे डर नहीं लग रहा है, मजा आ रहा है। तो भाई मैं तो झूला झूल के आ गया, लेकिन भाई शर्मा नहीं शर्मा। अरे अरे अच्छा मजा आता है नहीं? अरे बहुत मजा आता है नहीं भाई, चक्कर आते हैं। मुझे लग रहा है तुम ना उन जैसे जो बगल में लड़कियां डर रहे थे ना, वैसे ही तुम्हारा हाल होता भाई। एक्चुअली एक बार तुम चिल्लाते ना बहुत जोर जोर से। मैं देहरादून में एक्चुअली है ना वो झूला था, झूला तो झूला चल पड़ा, एक दो मिनट चला भी मेरे को चक्कर आ गया, तो मैंने तुरंत रुकवाया, मगर रोक दे भाई। वो काम फिर तो कहाँ खराब हो जाती, रोक दे मित्र, तो वही काम हो गया ना, रोक दे मित्र, दोस्तों फालतू ले ले, लेकिन रोक दे, रोक दे, लैंड करा दे भाई, लैंड करा दे। देखो ना आप बीच में आ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो जल्दी पहले ही गोली चला दे रहा भाई, रस्सी में मारो, हम 100 रुपया कहाँ मारना है? रस्सी, रस्सी में मारी है। कौन सी रस्सी है? वो काला वाला रस्सी है ना। हाँ अब बताए, तू पहले गोली चला ले, चलो क्या रस्सी मारे, रस्सी में भैया किधर ले, तू कहते तेरा ना लाग जा, गोली चलाने वाला हूँ मैं। हाँ भैया रस्सी में मारिए, रस्सी लग गया, लग गया, लग गया, लग गया। हेलो हम किधर मारेगा फिर? आप शॉट मारेगा मेन। हेलो मार दिया। ये एम बड़ा खतरनाक है भाई हमारा। सो हमें एक छोटा सा गिफ्ट दिया है कार्तिक भैया ने, ताकि हमें याद रहे कार्तिक भाई से मिलके आए थे, तो मैं अपनी बाइक पे कीरिंग लगाने वाला हूँ कार्तिक भाई के नाम का। थैंक यू, वेलकम वेलकम। थैंक यू भैया। तो हम सब लोग वापस लौट के घर आ चुके हैं, और एक बात बता दूं, बहुत ज्यादा मस्ती करी हम लोगों ने। अब टाइम हो चुका है खाना खाने का, खाना तो बहुत बढ़िया बना ही होगा क्योंकि मैंने दिल से बनाया ना, इसलिए मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। नागालैंड से जाने वाला हूँ मैं, बहुत मिस करने वाला हूँ नागालैंड को, इतना प्यार मिला ना नागालैंड से जितना मैंने सोचा ही नहीं था मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे इतना प्यार मिला नागालैंड से। यहाँ तो मैं जानता ही नहीं था, शायद कोई मुझे जानता होगा नागालैंड में, पर इतने सारे लोग जानते ना, दिल खुश हो गया। मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, और कल ना कुछ अलग ही होने वाला है। और एक और बात बता दूं, बहुत जल्दी एक नई ट्रिप स्टार्ट होने वाली है, और वो भी पुराने दोस्तों के साथ। बाय बाय।
कथा नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। कथा नहीं किस रूप में आकर।